देखिए, मानव संपदा पोर्टल खुलने ना खुलने से फिर फंसे शिक्षकों के परस्पर दबाव दें, ठीक है। यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग में पोर्टल ना खुलने से एक बार फिर शिक्षकों के परस्पर तबादले फंस गए हैं। 12 अगस्त से शिक्षकों के पेयर बनाने की कार्रवाई भी ठप पड़ी हुई है। इसको लेकर शिक्षक काफी परेशान है। यहाँ पे ये लोग म्यूचुअल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 4 अगस्त को जारी निर्देश में कहा था कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया अगस्त तक पूरी करनी है, ठीक है। शिक्षक काफी लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए भी प्रक्रिया कई महीने से चले लेकिन पूरी नहीं हो पाई। पदोन्नति के लिए विभाग ने ज्येष्ठता सूची सीनियरिटी लिस्ट बनाकर अपलोड कर रहा है, जबकि अभी भी कई जिलों की बाकी है। इनमें टीईटी अनिवार्यता को लेकर स्थिति अस्पष्ट है। इसी तरह जिले के अंदर परस्पर तबादला और तबादला पाए शिक्षकों का स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी चल रही है। काफी शिक्षक की ज्वाइनिंग के लिए भी भटक रहे हैं। 10 अगस्त तक बीएसए शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन पत्र सबमिट कर 11 को पोर्टल पर दिखाएंगे। वहीं 12 अगस्त से शिक्षक पारस्परिक हस्तांतरण के लिए कार्रवाई करेंगे। इसमें आवेदन करने के साथ साथ दूसरे शिक्षक के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी देने के साथ प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। शिक्षकों का कहना है कि वेबसाइट न खुलने से शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन दिखाई नहीं दे रहे हैं और न ही जोड़ा बनाने की कार्रवाई हो रही है। इसी बीच छुट्टियां भी पड़ रही हैं, इसमें शिक्षकों को आवेदन व पेयर के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे यूपी बीटीसी शिक्षक संघ अनिल यादव जी का बयान मैं बता रहा हूँ कि शिक्षक पहले से कह रहे हैं कि विभाग शिक्षकों को तबादला आदि का लाभ देना नहीं चाहता है। वह सिर्फ उलझाए रखना चाहते हैं। जो प्रक्रिया जून की छुट्टी में पूरी होनी थी वह अभी तक अटकी है। 3 दिन से शिक्षक पोर्टल खुलने के इंतजार में है। डॉक्टर महेंद्र देव जो डायरेक्टर हैं बेसिक शिक्षा के, उन्होंने क्या बोला, विभाग तेजी से शिक्षकों की तबादला व ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। कुछ तकनीकी वजह के अगर पोर्टल नहीं खुल रहा है तो इसे जल्द ठीक करवाएंगे। शिक्षकों का परस्पर तबादला समय से पूरा किया जाएगा, ठीक है। ये म्यूचुअल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, और मिड डे मील में सी एन शामिल, मेन्यू भी बदला। देखिए, पीएम पोषण योजना के तहत प्रदेश में स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की राशि में वृद्धि के बाद अब मेन्यू में भी बदलाव किया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेन्यू में सी अन्न, जिसको हम लोग बाजरा बोलते हैं, को शामिल किया गया है। साथ ही हर दिन सब्जी और हफ्ते में 4 दिन दाल युक्त भोजन देने का निर्णय लिया गया है। नए वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार की ओर से मिड डे मील के लिए प्रतिदिन बच्चे को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई थी। इसी क्रम में पिछले दिनों हुए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी की बैठक में मेन्यू में सब्जी दाल के प्रतिदिन प्रयोग व श्री अन्न को सप्ताह में 1 दिन शामिल किए जाने का निर्णय हुआ है। इसी क्रम में शासन ने सोमवार को मिड डे मील का संशोधित मेन्यू जारी कर दिया है। इसके अनुसार हफ्ते में 1 दिन मूंग की दाल व मौसमी सब्जी युक्त बाजरी की खिचड़ी दी जाएगी। संशोधित मेन्यू के अनुसार सोमवार को रोटी, सोयाबीन युक्त मौसमी सब्जी और मौसमी फल, मंगलवार को चावल सब्जी दाल, बुधवार को मौसमी सब्जी सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी व दूध दिया जाएगा, बृहस्पतिवार को रोटी सब्जी दाल, शुक्रवार को मौसमी सब्जी सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी या मूंग की दाल वह मौसमी सब्जी के साथ बाजरा की खिचड़ी, शनिवार को चावल सब्जी और दाल युक्त भोजन बच्चों को दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने सभी डीएम को संशोधित मेन्यू भेजते हुए आवश्यक व्यवस्था करने व मिड डे मील वितरण इसके अनुसार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये आपका न्यू मिड डे मील का मेन्यू है। सभी अभिभावक व शिक्षक इस चीज को ध्यान दें। ये कुछ नई अपडेट्स यूपी पीएससी प्रयागराज से निकल के आ रही है। साक्षात्कार के लिए प्रतिदिन 2 पाली में बुलाए गए 96 अभ्यर्थी। पीसीएस जज का इंटरव्यू है कल से। और मेंस एग्जामिनेशन में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कल से शुरू होगा। आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पीसीएस जे इंटरव्यू। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। साक्षात्कार के लिए 6 बोर्ड बनाए गए हैं। इन बोर्ड में सुबह 10 से 5 बजे तक साक्षात्कार चलेगा। 2 पाली में प्रतिदिन 96 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यह प्रक्रिया 28 अगस्त तक चलेगी। पीसीएस जे के रिक्त 303 पदों पर चयन के लिए आयोग ने दिसंबर 2022 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इन पदों के सापेक्ष 79,565 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था।
इसकी प्रारंभिक प्री परीक्षा 12 फरवरी को हुई और लगभग 50,837 अभ्यर्थी शामिल हुए। 16 मार्च को परिणाम आया तो 3,102 अभ्यर्थी सफल हुए। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा 23 से 25 मई तक आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा का जो परिणाम आया 1 अगस्त को जारी किया गया और रिक्त पदों के सापेक्ष 3 गुना यानी 359 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए मेंस एग्जाम में, जिनका माननीय आयोग साक्षात्कार लेगा। अब यह अभ्यर्थी 10 दिन चलने वाले इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे। आयोग के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं विनोद गौड़ जी, उन्होंने बताया कि प्रत्येक 6 बोर्ड बनाए गए हैं। सुबह 10 से 5 दो पालियों में 96 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार चलेगा और जो प्रत्येक बोर्ड है वो 16 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेगा। ठीक है, तो 16 अगस्त से चलने वाला ये इंटरव्यू 28 अगस्त को चलेगा। तो इस तरीके से हमारी पीसीएसजी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर होगी भर्ती आवेदन स्वरूप। प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर सोमवार को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के माध्यम से आप कर सकते हैं। ओटीआर कंपलसरी है। ओटीआर नंबर अगर आपका नहीं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस कारण आवेदन से 72 घंटे पहले ओटीआर में पंजीकरण करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 2 परीक्षा होगी लेकिन साक्षात्कार नहीं होगा। सहायक नगर नियोजक का पद समूह ख ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है और इसका जो वेतनमान है ग्रेड पे है, ये 5400 है। इन पदों के लिए अनिवार्य योग्यता नगर एवं ग्राम नियोजन में उपाधि या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए पीजी डिप्लोमा जिन 28 संस्थाओं का मान्य होगा उसकी सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है। जो आयोग के सचिव हैं अशोक कुमार जी ने इस पद के लिए 2 परीक्षा होगी, ये भी बात पूरी बता दिया है। ठीक है, अगर मैं जुलाई माह में 32 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया, पिछले वर्ष के मुकाबले जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है उसमें 15.86% की गिरावट आई है। जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो 10% बढ़ गया है और एफपीओ जो किसान उत्पादक संगठन एफपीआई ने पहली बार आलू का निर्यात किया है और मध्य प्रदेश के किसानों ने अमेरिका के साउथ साउथ अमेरिका के गुयाना में 2 कंटेनर पोटैटो का निर्यात किया है और कृषि उपज के निर्यात को बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया और ताइवान के रेस्टोरेंट में सीएन को ब्रेकफास्ट और भोजन में शामिल करने की दिशा में भारत की तरफ से प्रोत्साहन कार्य चल रहा है। मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका को समुद्र के रास्ते अनार का निर्यात किया गया है। इससे अनार के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। हवाई मार्ग से अनार का निर्यात हो रहा है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में ऑर्गेनिक वस्तुओं के कारोबार के लिए समझौते पर बातचीत चल रही है। तो वित्त मंत्रालय ने जो डेटा शेयर किया पिछले वर्ष जुलाई में 38.3 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। तो इस तरीके से ये कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं और इन्होंने बताया कि जो प्रमुख निर्यात बाजारों में गिरावट भारतीय निर्यात पर दिख रहा है। सर पिछले महीने आयात 20% घट के 52.9% रहा। आरबीआई ने कहा कि प्लेटफॉर्म की 17 अगस्त से शुरुआत होगी। डिजिटल पब्लिक टेक एप्लीकेशन लॉन्चिंग के लिए तैयार हो गया है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पहल है। 17 अगस्त को डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देगा। इसके जरिए किसान, डेयरी संचालक और छोटे उद्यमियों को फ्रिक्शनलेस क्रेडिट सुविधा मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म को सब्सिडियरी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने तैयार किया है। आरबीआई ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इस प्लेटफॉर्म से 1.6 लाख रुपए प्रति ग्राहक तक किसान क्रेडिट कार्ड लोन, डेयरी लोन, एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन और होम लोन दिए जाएंगे। पिछले 10 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई के जो गवर्नर हैं श्री शशिकांत दास ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म की मदद से लोन देने वालों को डिजिटल रूप से सभी जानकारी मिल जाएगी और लोन के लिए किसी प्रकार के संपर्क या दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्रणाली से लोन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ेगी
और क्रेडिट की लागत में कमी आने के साथ भुगतान काफी तेज होगा, डिसबर्सल काफी फास्ट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आज की। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हैव ए गुड डे। इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी विशेस आपको, और मिलते हैं नए वीडियो में।